नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। आजीविका निर्णय चार की बात करते हैं। हम लोग चौथे अध्याय तक पहुंच गए और अब बहुत कुछ आजीविका के विषय में समझ में आता होगा कि दशम को देखें तो फिर दशम के त्रिकोण को भी देखें, दशम से 6, 8, 12 को भी देखें। तो यहाँ दशम स्थान का बहुत महत्व है। ये भी थोड़ा बहुत सीखा था कि सूर्य, चंद्रमा और लग्न, इन तीनों का भी महत्व है। बारह मिहिर ने भी इनकी चर्चा की है और हमारे मंत्रेश्वर ने भी इनकी चर्चा की है और दोनों ने इन बातों पर जोर दिया है कि तीनों में से जो बलवान हो उससे दशम स्थान का विचार करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पीछे सीखा है कि दशम स्थान का विचार करना चाहिए, तो उसके बाद जो योगों की बात आती है, राजयोगों की बात आती है, आपसी संबंधों की बात आती है, तो क्या फिर वो चंद्रमा से ही निर्णय करना चाहिए? तो इसकी चर्चा नहीं दी गई है। हमारा अभ्यास इस पे चल रहा है और जिस दिन हम अपने आप को सिद्ध हस्त मानेंगे और जो भी सिद्धांत निकल के आएगा हम आपके सामने रखेंगे। अभी वर्तमान समय में आजीविका किस क्षेत्र में हम करेंगे इसके लिए दो पाठ में चर्चा करेंगे। तो आज के पाठ में जो चर्चा करते हैं वो सूर्य और चंद्रमा को लग्न मानकर कैसे करते हैं इसकी बात बताते हैं। और एक ही श्लोक में फलदीपिका में जब आप जाएंगे तो एक पहले ही श्लोक में दोनों का वर्णन है कि लग्न चंद्र और लग्न सूर्य या चंद्र। तो सबसे पहले जो कहा गया कि दशम स्थान में स्थित ग्रह, अब दशमेश नहीं कहा गया है, कर्मस्थय लिखा गया है कि कर्म स्थान में जो स्थित है, सबसे पहले यही समझना है। ये हम जानते हैं कि हम लोग दशम स्थान के ही इर्द गिर्द घूमेंगे। तो कर्मस्थय, तो कर्म स्थान में यहां कौन सा ग्रह दिखाई दे रहा है? शुक्र। तो सीधा लिख दिया गया कि शुक्र की तरह काम होना चाहिए। शुक्र ग्रह से संबंधित जो भी कार्य बताए गए हैं वही करना होगा। अच्छा, यहां पे फिर बताया गया है कि अब लग्न और चंद्रमा, इन दोनों में बलवान कौन, इन दोनों में बलवान जो होगा उससे दशम स्थान का विचार किया जाएगा। और हम पहले ही बताए हैं कि बल के लिए हम लोग हमेशा षड्बल को ही देखेंगे और किसी बल को नहीं देखेंगे। अभी आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको प्राप्त कीजिए, बाद में हम इसका भी पाठ देंगे। तो अब लग्न और चंद्रमा का मतलब क्या है कि अब ये लग्न तो बलवान है नहीं है इसको पता लगाना मुश्किल होता है, और जब चंद्रमा की बात कही गई तो क्या लग्न में स्थित राशि या लग्न का बल कैसे देखेंगे? तो लग्नेश, अर्थात यहाँ हम कह दें कि लग्नेश और चंद्रमा, इन दोनों में से जो बलवान हो। तो पहले यदि हमने लग्नेश को बलवान माना तो बहुत आराम से समझिएगा। तो यहाँ दशम स्थान में तुला राशि है और स्वामी शुक्र है और शुक्र स्थित भी है। अब यहाँ हमको स्वामी से कोई लेना देना नहीं है, आपको पहले ही बताया, या दशम में स्थित राशि की भी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन वर्तमान में जिस चीज को समझाना चाहते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है कि हम किसी भी घटना को ज्योतिष में बताने के लिए बहुत सारे आयामों को देखते हैं, बहुत सारे सिद्धांतों को पढ़ते हैं और सबको याद रखते हुए, और हमारा जिसपे अधिक अभ्यास हो जाता है, अगर हम उससे निर्णय लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो ये लग्नेश बलवान है तो उससे दशम स्थान में शुक्र है। तो यहां क्या है कि अगर दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो तो एक प्रश्न आपके मन में आ जाएगा, तो क्या फिर दशमेश को देखना चाहिए, उसके आधार पर कहा जाएगा? तो नहीं, इसके लिए फिर आगे अलग से श्लोक दिया गया है, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो दशम स्थान में स्थित ग्रह भी हमारे आजीविका के लिए कारक होते हैं।
अब मान लीजिए यहाँ लग्नेश था तो शुक्र दशम स्थान में स्थित है, तो हम लोगों ने कहा कि शुक्र की तरह आजीविका होना चाहिए। यदि इसी पत्रिका में चंद्रमा बलवान हो, यहाँ देखिए चंद्रमा है, तो फिर अब चंद्रमा से दशम स्थान को देखेंगे। तो अब चंद्रमा से दशम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब चंद्रमा से जब हम दशम देख रहे हैं तो यहाँ पे दो ग्रह हैं, और यहाँ राशि पहले लिख देते हैं आपको, कुंभ है और मंगल और गुरु स्थित है। हो गया ना कंफ्यूजन प्रारंभ, कि अब बताइए कि कभी तीन ग्रह भी हो सकते हैं, कभी पांच ग्रह भी हो सकते हैं, तो फिर हम समझेंगे कैसे। लग्न से देखा समझ में आया, एक ग्रह था शुक्र के तरह काम होना चाहिए। अगर इसी पत्रिका में चंद्रमा बलवान हो गया और इससे दशम स्थान देखेंगे तो ये कुंभ राशि होता है। अब इसमें जो ग्रह स्थित है वो गुरु स्थित है और मंगल दोनों स्थित है, तो फिर हम आजीविका निर्णय किसके अनुसार लेंगे, गुरु के अनुसार लेंगे या मंगल के अनुसार लेंगे। तो इस पे हमारा जो अपना मत है कि इसमें जो बलवान हो उसके अनुसार हम लेंगे, क्योंकि जो ग्रह बलवान होता है उस भाव पर उसका प्रभाव अधिक हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से या तीन ग्रह हो जाए, चार ग्रह हो जाए, पांच ग्रह हो जाए, तो फिर हमको किस आधार पे लेना होगा कि उसमें से सबसे जो बलवान ग्रह होगा वो भी षडबल से प्राप्त हो जाएगा, उससे हम लोग आजीविका निर्णय करेंगे कि वो ग्रह आपके आजीविका के लिए कहा गया है। तो यदि यहाँ गुरु बलवान है तो हम क्या कहेंगे कि गुरु के कारकत्वों से संबंध रखते हुए आजीविका होगी। ये दो बात हमको लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब तीसरा बात है कि यदि खाली रह जाए, दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से भी दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं है, तो क्या करेंगे। तो दशमेश को भी हमको समझ लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दशमेश का कोई रूल नहीं है और दशमेश के लिए हम कुछ नहीं देखेंगे। तो दशमेश के अनुसार भी हमारी आजीविका हो सकती है, लेकिन यदि खाली है तो हमको और आगे बढ़ करके सोचना पड़ेगा, उसको हम लोग अगले पाठ में सोचेंगे। अब यहाँ पहले एक चीज सोच लेते हैं कि यदि ये शुक्र की तरह आजीविका होता है तो शुक्र जिन जिन चीजों का कारकत्व रखते हैं उससे संबंधित कार्य करेंगे। तो यहाँ शुक्र क्या है, आराम पसंद करने वाला है, जीवन में बहुत ऊंचाई पर कामना पसंद है, तो ऐसे जातक क्या होंगे, उच्च पदस्थ होंगे। दूसरा, शुक्र से हम लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की भी बात होती है, फिल्म जगत की भी बात होती है, तो हम कलाकार होंगे। अब यहाँ ये डायरेक्टर की बात नहीं हो, डायरेक्टर के लिए बुध आएगा, चंद्रमा आएगा, लेकिन हम एक्टर हो सकते हैं क्योंकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। अब यहाँ से शुक्र से संबंधित ब्यूटी प्रोडक्ट का हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको आगे सभी ग्रहों को से संबंधित कार्यों को भी हम बताएंगे। तो आप लोगों ने ये समझ लिया, अब गुरु से संबंध रखते हुए क्या कहेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड, बैंक फाइनेंस से रिलेटेड, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करेंगे। ये एक संक्षिप्त जानकारी थी। अब उसी श्लोक में क्या कहा गया कि यदि लग्न से दसवां, अब यहां पे बहुत सारे हमारे ज्योतिष हुए जिन्होंने अपनी अपनी व्याख्या दी है, बहुत लोगों ने इस मत को नहीं माना, वो सीधा सीधा लग्न से दशम और उसी को कहते हैं कि दशम का नवांश आगे भी बताएंगे, और कहते हैं कि वही की प्लैनेट है, उसी के आधार पर होगा, इतना सरल नहीं है।
तो हम कहेंगे कि अब ये आगे क्या कहा जाता है कि हमारे पास कम से कम तो राहु केतु भी आ सकता है, लेकिन यहाँ सात ग्रहों के विषय में बताया गया है। और हम और आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष का हर काल में अलग अलग व्याख्या होता है। तो इस श्लोक में जो लिखा है कि यदि दशम स्थान में सूर्य हो तो पिता के साथ काम करना चाहिए, या पिता के द्वारा प्रदत्त जो रोजगार है उसी को करेगा, अर्थात पैतृक परंपरा को आगे बढ़ाएगा। और यदि दशम स्थान में चंद्रमा हो तब कहते हैं कि मातृ से सुख मिले, अर्थात माता के किसी काम से या माता के साथ काम कर माता के सहयोग से कार्य को करेगा। तो जहां कार्यों की विविधता नहीं थी वहां ग्रहों को पारिवारिक संदर्भ में लेकर के कि किसी न किसी के साथ तो काम करेगा, किसी न किसी को अनुकरण तो करेगा। अब फिर मंगल की जब बात आई है तो कहता है कि शत्रु से धन प्राप्त करेगा। अब शत्रु को पराजित करके करेगा कि उससे छीन करके करेगा, ये भी देखेंगे आगे। फिर बुध के लिए कहा गया, यहाँ मंगल के लिए भाई नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ छोटा भाई मान करके हम लोगों को चलना होगा, आगे इसकी व्याख्या करेंगे। बुध के लिए कहा गया कि मित्रों के सहयोग से। अब यहाँ अपने आप हो जाता है कि आप जानते हैं कि आप अपने पार्टनर में अपने मित्र को ही रखते हैं, किसी अनजान आदमी को पार्टनर आप नहीं रख सकते, जिसको जानते हैं उसी को रखते हैं। तो बुध यदि दशम स्थान में स्थित हो तब किससे? मित्र के साथ काम करेंगे या मित्र का काम करेंगे। गुरु हो तो तब कहा गया है भाई का, क्योंकि बड़ा भाई तो पूर्व से काम करेगा, आपसे बड़े हैं। तो ये उन दिनों की बात है जब लोग पारिवारिक लोगों से ही सीखते थे कार्य को और उसी के कार्य को करते थे। अब जब शुक्र की बात आई तो हुआ कि स्त्री से सुख प्राप्त होगा या धन प्राप्त होगा, या फिर आप अपने स्त्री जो काम करती है उसी काम को आप आगे बढ़ाएंगे और उसी से आप धन प्राप्त करेंगे। और कहा गया है कि शनि हो तो नौकर से, सेवक से, वो आपका काम करता है, आप उसकी निगरानी करते हैं, उससे आप धन प्राप्त करेंगे, आपका कार्य ऐसा ही होगा। तो क्या आज के जमाने में यदि यही बात हम आपको बता करके छोड़ दें तो संभव है कि आप निर्णय ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं है। तब अब कैसे निर्णय लेना है उसको समझिए। तो जैसे सूर्य की बात आई कि सूर्य दशम स्थान में स्थित है, अभी हम इसी चैप्टर की बात करेंगे, अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे और बृहत रूप से। तो सूर्य दशम स्थान में स्थित है तो सिर्फ पिता का नाम नहीं होगा, राज्य से, राजा से, गवर्नमेंट से, आज तो वर्तमान समय में हम सरकार की बात करते हैं, सरकार से, किसी अच्छे कंपनी, क्योंकि अब तो ये प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, तो हम जब हम लोगों के पास आता है कि सरकारी नौकरी होगी या प्राइवेट में काम करेंगे, ये भी बड़ा प्रश्न हो गया है। पहले तो सूर्य को देख करके ये बताया जा सकता था। तो अब सिर्फ पिता के साथ काम करेंगे ऐसा हम लोग नहीं कहेंगे, हो सकता है सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेकर के काम कर रहे हो, सरकार के यहाँ कोई मटेरियल सप्लाई करके काम कर रहे हो। तो इस तरह से आपको इसकी व्याख्या को समझना है। अब चंद्रमा की बात आ जाएगी तो सिर्फ यदि कह लेंगे कि माता से नहीं, चंद्रमा जल तत्व के कारक है, हो सकता है लिक्विड से रिलेटेड कोई काम हो जाए, हो सकता है कि यहाँ समुद्र से उत्पन्न किसी वस्तु से काम करें, पानी में उत्पन्न किसी वस्तु से काम करें, आप नेवी की नौकरी करें, कोस्ट गार्ड की नौकरी करें। तो यहाँ पे क्या है कि अब आपको पुनः इन ग्रहों की व्याख्या समझनी होगी आजीविका के लिए, हम इसको जरूर बताएंगे। तो हम लोगों को आज के दिन में जो याद रखना है, जो मूल बात है, कि सबसे पहले षडबल के अनुसार ये देखना है कि चंद्रमा बलवान है
या फिर लग्न। अब यदि लग्न बलवान है तब फिर हम लग्न से दशम देखेंगे, और चंद्रमा बलवान है तो चंद्रमा से दशम देखेंगे, और कहते हैं कि वहां जो ग्रह स्थित हो। यदि एक ग्रह यहां शुक्र स्थित था तो शुक्र के कारकत्वों के अनुरूप कार्य होगा, और अब यहां चंद्रमा से जब दशम देखे तो मंगल और गुरु दो दो प्लैनेट्स हैं, तो मन में कंफ्यूजन आएगा कि अब किसके अनुरूप कार्य होगा। इसकी भी व्याख्या की जरूरत है। कभी कभी हमको लगता है कि हम शायद बहुत अधिक डीपली जाकर के व्याख्या करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो आप घर बैठे समझ कैसे पाएंगे। तो यहां हमने कहा कि फिर वही रूल लगाएंगे कि जो इसमें से बलवान ग्रह हो उसके अनुरूप कार्य होगा, और जो दूसरे ग्रह होंगे वो उसको सपोर्ट करेंगे। कई जगहों पे लिखा गया है कि ऐसे दो स्रोत हो जाएंगे कार्यों के, एक मंगल के स्रोत से भी पैसा आएगा और एक गुरु के भी स्रोत से पैसा आएगा। आगे धीरे धीरे व्याख्या होते रहेगा, आप समझते रहेंगे। तो अगर ये भी माना तो आप कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं और फाइनेंस का भी काम कर रहे हैं, तो आपको दो स्रोत से पैसा आता है। बहुत लोगों को दो दो स्रोत से पैसा आता है कि आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी भी है और आप अच्छा नौकरी भी करते हैं, आपके पास खेती के लिए जमीन भी है और आप रोजगार भी करते हैं, तो इस तरह से। और कई लोगों के पास दो और दो से अधिक, तो उसको भी समझने का आगे हम लोग प्रयास करेंगे। ये साधारण विषय नहीं है, और वर्तमान युग में सबसे ज्यादा आजीविका के ऊपर ही हम लोगों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्न इसी से आता है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया, लग्न और चंद्रमा से देखना है जब दशम स्थान में कोई ग्रह स्थित है, तो इन दोनों में जो बलवान है उससे दशम की बात करेंगे, और दशम में कोई ग्रह नहीं है तब क्या करेंगे, या दशम में दो से अधिक ग्रह है तो आप लोगों ने समझ लिया। और एक मूल रूल जो होगा वो हम आपको अगले पाठ में बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पाठ बहुत सरलता से हम आप लोगों को बता रहे हैं, समझ में आता होगा। कोई परेशानी हो तो फोन कीजिए, संपर्क कीजिए, हम आपका सहयोग जरूर करेंगे। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।